ये ऑफर देके उसको बुलाया गया है। वो इसके बाद में वो ज्वाइन किया, वो कोई आके यहाँ अप्लाई नहीं किया है, उसको ऑफर दिया गया है यूएस का तरफ से, क्योंकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट में से है। आज का दिन में यहाँ फैकल्टी बना, काम किया, उस लोग के लिए काम किया, और उस लोग का जो यहाँ मोनोपोली चलता है करने की कोशिश किया, उसमें वो नहीं माना है तो उसका बाद में वो डिक्लेयर कर दिया कि उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसका ये बोल के उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करके उसका स्कॉलरशिप, जो पीएचडी स्कॉलरशिप कर रहा था वो यहाँ, वो भी वापस लेने का बात करता है। मेरे साथ में यहाँ टक्सु के जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल, मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट को लेके कितना कहाँ तक अपडेट है, और यहाँ की जो अथॉरिटी है उनसे बात करने की कोशिश की कि नहीं की। तो सर मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ ये आज का धरना जो कहाँ तक अपडेट है सर। पहले तो थैंक यू मीडिया फ्रेंड आप लोग आने के लिए। क्या हुआ था कि मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग जब मैंने सुबह को आया था तो ये AUS का कोई हेड था, उन्होंने मेरा सामने दौड़ के आया था कि आप लोगों चार्टर ऑफ जो डिमांड है अभी थोड़ा देर के बाद हम लोग फुलफिल कर देगा। तो हमने बोला कि एग्ज़ाम भी है, जल्दी कीजिए आप लोग। तो क्या हुआ, 8:30 पहुँच गया, ऑलमोस्ट 8:45 पहुँच गया, वो लोग कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। तो हम बोला कि सीटेट एग्ज़ाम भी है, आप लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं लेता है। ये लोग क्या हो रहा है कि जाके चुपचाप से अंदर में बैठ के छुप रहा है। तो पता नहीं, हम ये सोचते हैं कि आप छुप के रहने से वो सॉल्यूशन नहीं है। आप आइए, हम लोग के साथ बात कीजिए, टेबल पे रखिए बात, वहाँ सॉल्यूशन है। ये लोग ट्राई नहीं कर रहे बात करने के लिए। हम बहुत दुख लगा ये मतलब कि तो क्या हुआ, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर वाला चीज़ में हम लोग को बोला कि हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे। हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, हमने इंटीमेशन दिया DC को, तो हमने प्रोसेस अपना जो आज का पोजीशन है, हम लोग मतलब ये पीसफुल अभी बैठ रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं ये हम लोग ने एकदम फॉर्मेलिटी में किया, जो हिसाब से करना चाहिए। अभी तक तो सही चल रहा है अभी तक वो लोग, लेकिन पता नहीं वो लोग छुप के बैठा हुआ है, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। हम बिलीव करते हैं कि थोड़ा देर का बाद वो लोग, ये मेरा इनर बिलीव है कि पॉजिटिव बिलीव है कि वो लोग आएगा, बच्चा लोग के लिए भी कुछ सोचता होगा। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी वो लोग ऐसे करते हैं कि ये स्टूडेंट लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं, तो दिस इज़ नॉट द आउटकम। जिस तरह से जैसे फर्स्ट डे से आप लोगों का ये इशू चल रहा था, तो मैंने भी बात करने की कोशिश की यहाँ की जो वाइस चांसलर है, जो भी अथॉरिटी है, जो कल मैंने भी बात करने की ट्राई किया तो वो लोग भी डिनाई किया। तो आपका रेस्पॉन्स अभी किस तरह से आप देख रहे हैं, रेस्पॉन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पहले तो ये बात समझना पड़ेगा कि नमसा के वासियों को या फिर पूरा अरुणाचल से होल कि आप लोग जब यहाँ में एग्ज़ाम देने आ रहा है, कोई अथॉरिटी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। ये एक इंसान लोग क्या है कि अभी आप लोगों का फ्यूचर को भी अब एकदम डार्क साइड में है। अभी हम क्या बोलते हैं, यहाँ में AUS है, टुडे विल आस्क वेदर दिस अरुणाचल यूनिवर्सिटी इज वेरीफाई और नॉट, टुडे दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आज यहाँ में इतना बच्चा लोग है, इतना स्टूडेंट लोग आया है, रुक रहा है एग्ज़ाम के लिए, फिर हमने एग्ज़ाम के लिए हिट के लिए सोच के रखा है। तो हमने फर्स्ट तो हमारा बच्चा लोग सिक्योर होना है बोल के, तो हमने बोला कि पोस्टपोन करा चाहे जो भी, कि ये एग्ज़ाम तो इन फ्यूचर कमिंग डेज भी करा दो, क्योंकि आप लोग का अपना यूनिवर्सिटी है कला लोग, तो हम इंश्योर करता है कि ये वाला हम लोग ऑल टेक हम देश के स्टूडेंट। हम क्या बोलने मन है AUS वाला लोगों कि आप लोग का एरेगन, आप लोग जो ये लोग भाग भी रहा है, हम ये समझते हैं कि आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग डूइंग किया है, हमने गलती किया है इसलिए भाग रहा है। भागता वो है जो कभी गलत करता है। तो हमारा तो बहुत पॉजिटिव, अभी तक तो हम ये सोचते हैं कि आने वाला कल में भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, होप सो, इफ नॉट तो जो हद तक जाना है हम लोग चला जाएगा, वही सोच रहे हैं। थैंक यू। जिस तरह से आज फर्स्ट फेज है आप लोग का जो सिट इन प्रोटेस्ट है, तो आप लोग आज फुलफिल नहीं करता है, तो आप लोग का फर्दर स्टेप क्या रहेगा कल का दिन में जाके? देखिए ना, अभी ये बोलना चाहता है कि हम लोग इतना मैच्योरिटी के साथ डील करना पड़ता है। अभी सो कॉल इस सब का भी फेस्टिवल हो रहा है हमारा ही यहाँ पे नमसाई पे, हम ये भी नहीं सोचते कि कमिंग डेज में पूरा नमसाई बंद हो जाए, क्योंकि वो पूरा अरुणाचल का फेस्टिवल है। तो ये चीज़ लोग भी हम लोग देखते हुए नज़र लोग को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि हम लोग बंद करेगा, पूरा नमसाई बंद करेगा इन कमिंग डेज, बट विल टेक इन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेप, रिस्पॉन्सिबल इंसान का जैसा सोच के, ये लोग का जैसा नहीं कि भाग के, ऐसे नहीं करेंगे कभी। हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्लेरिफिकेशन देंगे, हम लोग नमसा की जनता लोग क्लेरिफिकेशन देंगे, हम लोग अपना ओपिनियन जो है हम लोग रखेंगे वो लोग का बीच में, जो रिस्पॉन्स आता है वी विल डिसाइड मैच्योरली विद इन आवर मेंबर, वही बोल रहे हैं। ये रहा हम लोग का जो VP, जो टैक्सु का VP जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ, ऑल टाइक हम स्टूडेंट्स यूनियन
कभी महिला का अत्याचार को नहीं सहता है। ऑलवेज दे स्टैंड्स फॉर द इनजस्टिस। किसी भी महिला हो, मे बी इट खामती हो, मे बी इट अदर ट्राइब से हो या किसी और से भी हो, हमेशा ऑल टाई खामती स्टूडेंट्स यूनियन हैव स्टूड फॉर इट इन एनी केस। एंड दिस टाइम वी आर स्टैंडिंग फॉर ए वुमेन, फॉर ए लेडी, फॉर ए गर्ल जिसको इनजस्टिस मिला है इन दिस वेरी इंस्टीट्यूशन। ये जो इंस्टीट्यूशन है इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का जो इंस्टीट्यूशन है। बट द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ हियर वी हैव हर्ड, हम लोग ने सुना है कि वो लोग इतना एडमेंट है ये इशू को सॉल्व करने के लिए। एंड आप मे बी एज ए सीनियर, एज ए स्टूडेंट लीडर, मैं भी क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ अथॉरिटी लोगों, ये अरुणाचल यूनिवर्सिटीज फैकल्टी मेंबर्स हो या अथॉरिटीज लोगों, क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोग अगर जस्टिस नहीं देगा तो दिस इज एन स्मॉल थिंग, इससे भी बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलेगा। आप लोग एडमेंट रहेगा, हम लोग भी एडमेंट रहेगा। एंड ऑल टाई खामती सिंह फॉर स्टूडेंट्स यूनियन को आप लोग इतना कमजोर मत समझे। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने जैसे आप लोग का आज प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग का जैसे रिजल्ट पॉजिटिव रहा होगा? जी, मैं आपको जैसे बोला था तक्सु और ऑल नामसाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट जब भी एक साथ खड़ा होता है तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलता है और हम लोग जस्टिस जरूर डिलीवर करेगा। जैसे कि हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड जो 3-2 था, फिलहाल जो आज अपॉइंटेड आज इशू चेयरमैन, ये वाला क्या है, हम लोग जो अभी चार्टर ऑफ डिमांड लगाए तीनों पॉइंट को हम लोग को फुलफिल मिला और उन्होंने वी रिटर्न दिया आज ड्राफ्ट करके। और ये AUS का जो अथॉरिटी ने अभी भेजा है हम लोग को कि आप लोग जो जो डिमांड रखा है वो फुलफिल हो गया है और इनकमिंग नियर फ्यूचर में ऐसे चीज़ लोग ना हो बोल के हम बिलीव करता है कि हम हमेशा से ये बिलीव करता है। हम बहुत पॉजिटिव वाला इंसान है, क्या पॉजिटिव नोट लेता है कि कभी भी वेन एवर देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज ए सॉल्यूशन। आई बिलीव दैट वे कि अब आइए बात कीजिए, टेबल में सॉल्यूशन है। अभी क्या है कि आप लोग बड़ा चढ़ा के कुछ चीज़ लोग लेंदी हो जाता है। हम ये समझते हैं कि आप लोग इतना लेंदी नहीं करने से ज़्यादा ठीक है। अब सॉल्यूशन लाने के लिए अगर हमेशा ट्राई कीजिए, एटलीस्ट इंटरेक्ट कीजिए। हम लोग यहाँ के जो लोकल है एटलीस्ट जानिए उनके सेंटीमेंट, उसका मन का बात तो जानने के लिए कोशिश की, अब वो भी सुनने के लिए मन नहीं है तो बहुत दुखी था। लेकिन सुबह तक तो अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो हम बिलीव करते हैं कि ऐसे ही चलते रहने से मतलब इन कमिंग डेज भी हमारा जो भाई बंधु लोग है हम लोग को एश्योर कर सकता है कि वो अब जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है वो इंस्टीट्यूशन आपको आज जो हम लोगों जैसे चार्टर डिमांड रखा है आपको भी इज्जत करता है, रेस्पेक्ट करता है। हमारा जो यहाँ स्टेक होल्डर लोग है उसको भी इज्जत करता है बोल के ये रिस्पांस मिला है। तो अभी तक तो हम लोग बहुत हैप्पी है और खुश है कि एटलीस्ट ये रिस्पॉन्स लोग आए। और सेकेंडली मतलब जो हम लोग वो लोगों ने बोला कि हम लोग वेंटिलेशन नाइन का बात था कि हम लोग ऑफिस चैम्बर में घुस के हम लोग कुछ वेंडलिज्म जैसा चीज़ लोग किया है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं। DSP खुद भी था, वो खुद भी बोला था कि ये फॉल एलिगेशन इनकमिंग डेज हम लोग जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी जो अभी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से है वो हम लोग अपोलोजाइज सीख करेगा और ज़रूर। और ये चीज़ भी कैरी ऑन होते रहना है और वेन एवर इफ़ एनी वन हैज़ प्रॉब्लम कम फॉरवर्ड, हम लोग को बोलिए चीज़ लोगों को। अब लोग चार दीवार के अंदर में क्या होता है, हम लोग बीच में भी इंटरफेयर नहीं करते तो आप लोग बोलेंगे नहीं तो हम लोग जानेंगे कैसे। तो ऐसी चीज़ है आज जैसे जसवा माया मंच ने इतना हिम्मत करके आ गया है, एक बोल्ड डिसीजन लिया और हमें साथ मांगा, हमें हेल्प मांगा, तो ये चीज़ तो हम लोग आज फिर अभी जस्टिस देने के डिलीवर होने के लिए सक्सेस रहा। अब तो हम पहली बार तो सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं, जो आया भाई बंधु लोग तो बहुत साथ दिया। तो हम लोग ऑल नामसाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और ऑल टाइक खामती सिंह स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम लोग सबको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता है। जैसे कि आप लोग का प्रोटेस्ट के साथ साथ आप यहाँ पे CTET का भी एग्जाम था, तो आप लोग किस प्रकार का दिखाएंगे? फर्स्ट तो देखिए क्या हुआ, वो लोग इतना इरिस्पॉन्सिबल वाला आदमी है, वो लोग CTET वाला एग्ज़ाम वाला सेंट्रल बोर्ड एग्ज़ाम है, वो लोग क्या हुआ, हम लोग कोई सुबह मेरा पास दौड़ के आया बोला कि हम लोग ये वाला जो आप लोग मेमोरेंडम रखा है जो चार्टर ऑफ डिमांड रखा है वो फुलफिल कर देगा बोल के 8:30 तक। तो क्या हुआ, हम भी वो भरोसे से रुक रहा था तो हम लोग घुसने नहीं दिया वो CTET वाला एग्ज़ाम को टिल 8:30।
तो क्या हुआ, वो लोग ने बोला कि हम लोग 8:45 में घुसना पड़ता है, वहाँ में बैठना पड़ता है और 9:30 में हम लोग का पेपर इशू हो जाता है, हम लोग लिखने शुरू कर देता है। तो हमें वो सुन के, अरे ये लोग आदमी लोग आ भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे। तो ऐसे किया हम सब लोग ने, डिसाइड किया सब हमारा दोनों पार्टी से डिसाइड होके, दोनों स्टूडेंट यूनियन से डिसाइड होके क्या किया हम लोग, ये लोगों को फर्स्ट अलाउ किया कि सीटेट वाला एग्ज़ाम जो जो डालने आए दूर दूर से आए, जैसे आलोक पासीघाट ईटानगर से आए, जो जो आए सबको डालने मिलेगा। और वो लोग डाल के, तो हम लोग फर्स्ट क्या किया, वो लोग को अंदर घुसने दिया, आई कार्ड जो चेक करना था वो अंदर वाला लोग वो लोग किया, तो करके ऐसे जाके सीटेट वाला एग्ज़ाम हो गया। तो लेकिन पोस्टपोन जो हुआ है आज एग्ज़ाम, अरुणाचल यूनिवर्सिटी वाला जो स्टूडेंट हज़ारों की तादाद पर जो आए हैं, क्या है आपको हम ये बता देना चाहता है कि फर्स्ट आप देखिए, वो लोग दे वर सो रेडी कि आज का दिन पोस्टपोन होने वाला है, वो लोग के पास हर चीज़ पेपर लोग रेडी था, तो समय नहीं लगा, वो लोग डायरेक्ट रिलीज़ करा दिया आपका एग्ज़ाम आज पोस्टपोन है। सी आप देखिए बात के गहराई को देखिए कि कितना गलत दिशा में आप लोग का इंस्टीट्यूशन आप लोग को मिसलीड कर रहा है। तो ये चीज़ लोग हम आज अरुणाचल यूनिवर्सिटी को कुछ डिफेम कर रहा है बोल के नहीं, आप बात की गहराई को समझे, हम लोग का इमोशनल अटैचमेंट है आप लोग का, स्टूडेंट लीडर हम लोग स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सोचेंगे और उसके बाद समाज के लिए सोचेंगे। तो ये हमारा जो सीटेट एग्ज़ाम था वो बहुत सही गया, बहुत सुंदर गया, जो जो डाल रहा बहुत खुद से वापस निकला, बोला कि बहुत सही गया एग्ज़ाम लोग बोल के, वही बोलना चाहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।